काउंसलिंग शेड्यूल फॉर WBG 2022। तो कई सारे स्टूडेंट है जो कि पूछ रहे कि हम लोग का जो काउंसलिंग है जो कि इस साल होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर तो देख सकते हो, जो WBG का ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ भी अपडेट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि रिजल्ट आपका 17 जून को डिक्लेयर होता, उसके बाद अब तो कुछ अपडेट नहीं है। देखिए इस साल का जो काउंसलिंग है काफ़ी लेट से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इतना जल्दी अपडेट एक्सपेक्ट मत कीजिए। ठीक है, काफ़ी लेट से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आपका जो अपडेट है वो भी काफ़ी लेट से डिक्लेयर होगा। जो भी हो, आपका जो प्रोसेस है उनका एक्सपेक्टेड डेट्स क्या क्या होने वाला है मैं मेंशन कर रखा हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हो ताकि आपको एक क्लियर सा आइडिया मिल जाए। और लाइक जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का WBG का कंप्लीट सपोर्ट हेल्प डेस्क है। आपका जो भी रैंक है WBG में, वेदर 2000 हो गया, 10000 हो गया, 20000 हो गया, 40000 हो गया, इस रैंक हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच होना चाहिए, ये हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड ये जो डिस्कशन है हम लोग ये जूम मीटिंग पर करते हैं। लाइक कंप्लीट फ़ोन कॉल सपोर्ट भी रहता है, अब जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। तो लाइक हो गया आपका ब्रांच सिलेक्शन हो गया, कॉलेज सिलेक्शन हो गया, आपका मतलब प्लेसमेंट के टर्म्स पर कौन सा ब्रांच बेटर रहेगा, ये सारा का सारा कुछ डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब देखिए WBG का जो काउंसलिंग होता है वो दो फेज़ में होता है, एक होता है फेज़ 1 एंड एक होता है फेज़ 2। तो देखिए फेज़ 1 जो है, मैं पहले फेज़ 1 के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो फेज़ 1 का जो सीट मैट्रिक्स है वो 4th week of July को रिलीज़ होगा। WBG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने दिखाया WBJEB.NIC.in, वहाँ पर आपका रिलीज़ हो जाएगा 4th week of July को। ये मतलब देखो, ये जो है ना, ये वीक डेट ऑफिशियल अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हाँ वीक जो है वो ऑफिशियल डिक्लेयर हो चुका है। मतलब जो ऑफिसर अनाउंस कर रहे थे आपका जो टॉपर का लिस्ट, उसी वक्त आपका ये अनाउंस हो गया था कि आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो 4th week of July को डिक्लेयर हो जाएगा। देन जो रजिस्ट्रेशन है फॉर फेज़ 1, लाइक जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फेज़ 1 के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2nd week of August से स्टार्ट होगा। ठीक है, देन आपका जो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग है वो 3rd week of August से स्टार्ट होगा एंड ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए चॉइस लॉकिंग करने के बाद आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, एंड ये जो रिजल्ट है 4th week of August को डिक्लेयर होगा। राउंड 2 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 1st week of September को डिक्लेयर होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं राउंड 3 का जो डेट लिख रखा हूँ वो 3rd week of September लिख रखा हो, एंड ये 1st week of September है। देखो इसका रीज़न इसलिए है, आपका जो 2 राउंड होता है, राउंड 1 होता है एक एंड राउंड 2 होता है। कई बार क्या होता है, लाइक देखो WBG का रूल लाइक चेंज हो सकता है इस साल, लाइक अगले साल कुछ और था। देखो 2021 में रूल्स कुछ और था, 2022 में रूल्स कुछ और था, तो अब इस साल लाइक 2022 में कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा, वेदर ये अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो राउंड 3 है जो कि मॉपअप बोलते हैं, तो उसके लिए ना अलग से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाता है। जैसे कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया था राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए, आपको फिर से एक मतलब मौका दिया जाता है राउंड 3 के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का। तो लाइक कई सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान राउंड 1 से पहले, तो लाइक वो सारे बच्चे राउंड 3 के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस साल लाइक आपको मौका दिया जाए कि नहीं दिया, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपेक्टेड डेट्स है वो 3rd week of September को है। देन आपका जो फाइनल एडमिशन है वो 4th week of September को ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हो जो फेज़ 1 का जो डेट्स है, मतलब पूरा सेप्टेम्बर आपका लग ही जाएगा। ठीक है, मतलब सितंबर आते आते खत्म होते होते आपका जो फेज़ 1 है वो एंड हो जाएगा। देन एंड ऑफ WBG 2022 काउंसलिंग फेज़ 1, इसके बाद स्टार्ट होता है फेज़ 2। अब देखिए जो फेज़ 2 है ना, वो मतलब लाइक बी आर्क हो गया। ये जो एडमिशन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस रैंक। ठीक है, लाइक कई सारे बच्चे WBG भी देते हैं, जेई मेंस भी देते हैं, तो आपका जेई मेंस में जो रैंक है उसके हिसाब से, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि WBG के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बस WBG का रैंक होना जरूरी है। आपका जेई मेंस में अगर अच्छा रैंक है, ठीक है, तो वहाँ से आप फेज़ 2 को अटेंड करके आप ले सकते हो एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस। एंड गवर्नमेंट में लाइक बी आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन होता है। अब देखिए जो सीट मैट्रिक्स है वो 2nd week of October को रिलीज़ हो जाएगा। आपका जो फेज़ 2 है रजिस्ट्रेशन, देन 3rd week of October से स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का जो एंड डेट है 4th week of October, एंड देन राउंड 1 का जो एडमिट रिजल्ट है वो 1st week of November को रिलीज़ हो जाएगा। देन जो फाइनल एडमिशन है वो 2nd week of November को हो जाएगा। इसको आप नवंबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर को लीजिएगा। तो फेज़ 2 खत्म हो चुका। अब बात है जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो कैसे होता है। अब देखिए डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में बता दूँ, ये जो फेज़ 2 है ना,
फेज़ टू में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस लगभग सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस उनका जो एडमिशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ WG रैंक पर ही होता है। देखो एक दो होता है, एक होता है BTEC होता है एंड एक BArch होता है, ठीक है। तो BArch बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इनका जो एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस एंड इनका जो एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ WG, ठीक है। देन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो लाइक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग फेज टू के पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फेज टू के बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो जो BTEC का जो एडमिशन है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग वो फेज टू के पहले भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए मैं बताया कि आपका जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको मान के चले कि ये मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये जो काउंसलिंग था फेज़ वन एंड फेज़ टू इसको सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है ये, एंड ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है ये WG बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाता, लेकिन जो फेज़ वन एंड फेज़ टू है ये WG बोर्ड कंडक्ट करवाता है। डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का जो अपडेट है आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, आपको हर एक कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर चेक करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो डिसेंट्रलाइज का जो अपडेट है हर एक कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ता है। WG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए लाइक ये कल्याणी का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया तो यहाँ पर लाइक शो करता है कि लाइक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इतने तारीख से स्टार्ट होने वाला इस कॉलेज का। जलपाइगुड़ी के यहाँ से शो करता है कि लाइक आपका जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है लाइक इतने तारीख से स्टार्ट होने वाला है। कैलकटा यूनिवर्सिटी का भी सेम वही है कि आपका जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है इतना तारीख से स्टार्ट होने वाला है। एंड हर एक कॉलेज का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का जो स्टार्टिंग डेट्स है वो अलग होता है, ऐसा नहीं है कि लाइक सभी कॉलेज का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग एक ही से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देखो आप चाहो तो मल्टीपल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर डिसेंट्रलाइज, ऐसा नहीं कि आप अगर CU में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप कल्याणी एंड जलपाइगुड़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग मल्टीपल कॉलेज में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। सो आई थिंक आपको क्लियर सा आइडिया लग ही गया होगा कि फेज़ वन का जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो क्या क्या है, फेज़ टू का जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो क्या क्या है, एंड आपका जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, हो सकता है फेज़ टू के बाद स्टार्ट करवाए। आई थिंक जो जादवपुर है वो जनरली फेज़ टू के बाद ही स्टार्ट करवाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन जो बाकी सब जो कॉलेजेस हैं वो फेज़ टू के पहले भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कुछ कुछ कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज देखा जाए तो फेज़ टू जब चल रहा होता है या फेज़ टू जब हो जाता है तभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, सबका रिप्लाई मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द देने का।